बाड़मेर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली युवती का उसी कॉलेज में पढ़ने वाले युवक ने अपहरण कर लिया। अपहरण के 21 दिन बाद अब तक पुलिस युवती और अपहरण करने वालों को पकड़ नहीं पाई है। युवती के परिजनों को डर सता रहा है कि युवती के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसको लेकर युवती के परिजनों और समाज के लोग कलेक्टर और SP से मिले। कलेक्टर और SP ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही युवती और अपहरण करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। परिजनों ने ज्ञापन सौंप जटिया रैगर समाज सेवा समिति के लोगों ने जल्द कार्यवाही की मांग प्रशासन और पुलिस से की है। कोतवाली पुलिस 21 दिन बाद भी अपहृत युवती और उसके अपहरणकर्ताओं को ढूंढ नहीं पाई है। जटिया समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 26 अप्रैल को अपहरण की गई समाज की बेटी और अपहरणकर्ताओं को पुलिस द्वारा 21 दिन बाद भी नहीं ढूंढ पाने पर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए नाराजगी जाहिर की। जटिया समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष भंवरलाल खोरवाल, महामंत्री चंदन जाटोल, पूर्व प्रधान उदारा मेघवाल, लक्ष्मण वडेरा, ताराचंद जाटोल, डॉक्टर राहुल बामनिया, सुरेश जाटोल, ईश्वरचंद नवल, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष महिपाल खोरवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपहरण की गई समाज की बेटी को जल्द से जल्द बरामद करने और आरोपी परुण सिंह महाबार पुत्र मोटू सिंह सहित अन्य को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि आरोपी समाज की बेटी के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, उसे जान और माल की क्षति का पूरा पूरा अंदेशा है। पुलिस द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं होने से जटिया रेगर समाज में भारी रोष व्याप्त है। वो हमारे भतीजे की छोटे भाई की बच्ची है और ये 26 अप्रैल को कॉलेज को क्या करके सुबह निकले थे और उसके बाद में वो वापस घर पे नहीं आए। तब ये पता चला कि बाद में पता चला कि उनको कॉलेज से वहाँ महाभार के परवीन सिंह मोटू सिंह भाग चुके थे और उन्होंने और उनके साथ ही साथ उसका अपन उसके बाद में इधर वहाँ पर जाँच पड़ताल की पता किया नहीं मिली। तब जाकर के वो कोर्ट वाले पुलिस थाने में रात में ये FIR दर्ज के लिए आवेदन किया जो 27 तारीख को उसको रिपोर्ट वो दर्ज। अच्छा, मधु और प्रवीण सिंह साथ पढ़ते थे, क्या बात सामने आई? ये कहते हैं पहले बारहवीं में साथ वो पहले एक साल पहले मतलब महाराजा कॉलेज में साथ में थे, अभी वर्तमान में। जटिया समाज के लोगों ने ज्ञापन में नामजद आरोपी और उसके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार कर उसके शिकंजे से समाज की बेटी को बरामद करने की मांग की है। इस दौरान नाथूलाल चौहान, सोनाराम खोरवाल, धर्मेंद्र फुलवारिया, प्रभु दयाल फड़ोदा, ताराचंद गोसाई, किशनलाल बड़ारिया, बाबूलाल खोरवाल, सतीश हरीश, ताराचंद वडेरा, पद्माराम सुवासिया, पूनमचंद खोरवाल सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।